नमस्कार, मैं अमित कुमार, अजोरा न्यूज में आज आपका स्वागत है। श्वान के बच्चे की टूटी हड्डी में राड डालकर हड्डी जोड़ी गई। आपको बता दें, एक श्वान के बच्चे की पिछले पैर की ऊपर की हड्डी का निचला भाग एक दुर्घटना में टूट गया था। उस बच्चे को अलीगढ़ के वरिष्ठ पशु चिकित्सालय डॉक्टर बिराम की क्लिनिक पर लाया गया। डॉक्टर बिराम ने उनका एक्सरे करवाया और हड्डी की स्थिति जानी। उन्होंने यह बताया कि एक्सरे करने से डॉक्टर को यह फायदा होता है कि डॉक्टर निर्णय ले सकता है उस केस में किस विधि से हड्डी को जोड़ा जाए। और डॉक्टर बिराम ने बताया कि इस केस में हड्डी के अंदर दो राड डाली गई है। शल्य चिकित्सा श्वान के पूर्ण रूप से बेहोश करके की गई है। सर्जरी में 2 घंटे का समय लगा है। सर्जरी के बाद पशु मालिक ने डॉक्टर बिराम द्वारा बताई गई दवाइयों का फॉलो अप किया, जिसका नतीजा यह रहा, 45 दिन बाद श्वान का बच्चा आज अपने पैरों पर दौड़ रहा है। डॉक्टर बिराम ने पशु मालिकों से अपील की, जब भी कोई इस तरह की दिक्कत पशुओं में हो तो जल्द से जल्द उसे अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करके पशुओं की जान बचाई जा सकती है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।